हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले। नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के ग्राम सभा मलसिल में। आपको बता दो, मेरे भाई साहब जो खड़े हैं, इनसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी और इनसे इस बार और जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल इस क्षेत्र में आए हैं, 3 कोबरा सांप पकड़े हुए हैं और मैं आपको बता दूँ, सांप काटने से 40 से या 50 मिनट उनको समय मिलता है हॉस्पिटल जाने के लिए, भाई साहब ने बताया था। और एक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 खोपड़ा काटने से मौत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मौत हो जाती है। आज मैं क्लियर करूँगा 20 खोपड़ा काटने से क्या क्या दिक्कत होती है और आदमी की मौत होती है कि नहीं होती है। सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आपसे फिर दोबारा मुलाकात हुई है हमारे चैनल के माध्यम से। आज आप क्षेत्र में आए हैं और 3 सांप पकड़े हैं, किस प्रजाति के हैं? आप सभी को नमस्कार। आज मैं मलसिल गांव में आया हूं, जो कि छोटे यादव नाम रहा हो, बिरजू नेता, उनके यहां पर एक कोबरा निकला हुआ था, वो मैं कोबरा रेस्क्यू किया हूं। और उनके थोड़ा सा दूर में एक निकला हुआ था, उनके घर पर ही निकला हुआ था, एक रेड स्नैक है, असड़िया कहीं कहीं उसको घोड़पछाड़ बोलते हैं। और इधर पश्चिम साइड, पूरब साइड जाएंगे तो वहाँ पे धमनी, वो धमनी के नाम से जाना जाता है, लंबाई उसकी लगभग 7.5 फुट है। तो अब मैं बिस्खोपड़ा के बारे में बताने जा रहा हूँ। भैया ने पूछा कि बिस्खोपड़ा काटने से लोग कहते हैं मौत हो जाती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, कहता नहीं हूँ ये मैं खुद, क्योंकि दूसरे के ऊपर तो नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है कोई ब्लेम आ जाए, लेकिन मैं अपने आप को खुद बिस्खोपड़ा से कटवा करके कहीं भी, जिसको जिन भाई को अगर नहीं जानकारी है तो मैं वीडियो डाल देता हूं अपने मोबाइल पे, और वीडियो जो है हमको बिस्खोपड़ा ने बाइट किया हुआ है उसमें, और वहां तो निशान ख़त्म हो गया है, लेकिन वीडियो मैं अभी रखा हूं, उस वीडियो को मैं डाल दूँगा। और बिस्खोपड़ा एक ऐसा जीव है जो कि नॉन वेनमस जीव है, उसमें जहर नहीं पाया जाता है। अगर आप मानते हैं उसमें जहर होता है तो ये अपने अंदर से भ्रम निकाल दीजिए, उसमें जहर नहीं पाया जाता। जो आपके यहाँ मगर गोहटा या मगर गोह मतलब तमाम नामों से जाना जाता है, सेम ये सब छिपकली प्रजाति के हैं। और जब ये छोटा रहता है तो हमारे यहाँ बितनुआ, बिस्खोपड़ा अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब छोटे रहते हैं लोगों में ये भ्रम बना हुआ है। और ये भ्रम निकलने में कितना टाइम लगेगा, इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का भ्रम निकल सके। वो उनके बच्चे होते हैं, जब छोटे रहते हैं फुर्तीले होते हैं, उनको गर्म जगह पर रहना पसंद है, घरों में और खेतों में वो हमेशा निकलते रहते हैं, उसमें जहर नहीं पाया जाता है। आप लोग बिस्खोपड़ा जो होता है या बितनुआ जो होता है उससे आप बिल्कुल ना डरें। जैसे आपसे मेरा सवाल है भाई साहब कि कोबरा सांप, ये जो आप सांप पकड़े हैं कोबरा है जी, इसके काटने के बाद आदमी की कितने समय में मृत्यु हो जाएगी? देखिए, कोबरा काटने से मृत्यु तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोबरा कभी जहर छोड़ता है, कभी नहीं भी छोड़ता है। अगर नहीं छोड़ा है तो मौत कहाँ से होगी, अगर जहर डाल दिया है तो जहर थोड़ा सा डाला है कि ज़्यादा डाल दिया है, वो निर्भर करता है जहाँ पर बाइट किया है, वो जगह देखने के बाद ही निर्भर करूँगा। क्योंकि अंदाज़ा एक होता है 40 से 45 मिनट का वो समय देता है, कभी कभी 3-4 घंटे भी देता है जहर नहीं डालता है तो। अब यही होता है कोबरा में। जैसे छिपकली देख लीजिए, जैसे लोग कहते हैं कि छिपकली कहीं मीठा चीज़ में गिर गया उसको खाने से मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में क्या? हाँ, इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि जितना मैं जानता हूँ, छिपकली हमारे यहाँ भी जल्द 10 से 12 दिन हुआ, एक बबलू नाम के व्यक्ति हैं जिनके घर में दूध बॉयल कर रहे थे और उसमें छिपकली गिर गई, और शाम को जितने उनके परिवार में 7 लोग हैं, 7 लोगों में से 6 लोगों ने दूध पिया, और वो लास्ट में जब औरत अपने गिलास में निकालने लगी दूध तो छिपकली दिखाई दिया, तो घर में काफ़ी दहशत मची। फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा इतना जहर नहीं होता है, फिलहाल एक बार जो है अस्पताल में दिखा लीजिए, उसमें जहर मरने लायक तो नहीं है। तो डॉक्टर पास गए, डॉक्टर भी यही बताएं, अब इस समय डॉक्टर साहब तो मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं उनसे बात करवा देता, उसमें जहर नहीं निकला। वो लोग डॉक्टर बोले चलिए ठीक है, घंटे 2 घंटे बैठ जाए, फिर उसके बाद उनको जो है कि वापस घर भेज दिए, लेकिन वो लोग ठीक ठाक हैं, इतना जहर नहीं होता, और छिपकली काटने पे तो बिल्कुल जहर होता ही नहीं है। आपसे मेरा और सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि सांप पकड़ने वालों को बुलाओ तो 500 रुपये लगता है, क्या है? सर इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, ये पैसा भाई लेने वाले लेते हैं,
ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम तो निःशुल्क सेवा रखे हैं, बस समाज सेवा कर रहे हैं, जो हमसे बनता है वो करते हैं। अच्छा ये बताइए सर, आपको कैसे लगा कि हम सांप पकड़े, कब से ये सिस्टम आपने चालू किया? सर ये मैं काफ़ी छोटा था, अब जैसे ये लड़का है, मैं बहुत छोटा था तो सांप जो है हमको देखने में बहुत अच्छा लगता था, सांप को पकड़ते थे, पकड़ने के बाद मार देते थे। अच्छा। ये बचपना की बात है, हम सांप पकड़ के मार देते थे। तो हमारे चाचा वन विभाग में हैं, उन्होंने बताया तुम मारते हो इस तरह से पकड़ा जाता है, उन्होंने हमको पकड़ना सिखाया। तो एक सुभाष जो कि हमारे गुरु हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, कोबरा स्नेक बाइट में उनकी जान चली गई, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे उनको एक बार पहचान मिली कि बुलाया जाए, तो उनसे मेरे चाचा बोले कि इनको सिखाओ। उन्होंने एक दो तरीका हमको बताया, तो हम सांप रेस्क्यू करने लगे बिना जहर वाला, रेड स्नेक, डेढ़ा, धमनी, यही सब, लेकिन कोबरा करैत नहीं पकड़ते थे। फिर धीरे धीरे 2003 से उनके साथ हम 2 साल रहे हैं उनके साथ में, तब जाके हमारा जो है कि पूरा, अब देखो अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, खैर सीखने की बात क्या है, लेकिन वहाँ पे जो सीख मिली हमको वो हमने ग्रहण किया, उनके बातों पर आज भी हम चलते हैं, अब सच्चाई यही है। अच्छा सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? सबसे जहरीला सांप अपने यहाँ हमारे जौनपुर ज़िला में कोबरा और करैत, 2 सांप जहरीले मिलते हैं, बाकी जितने सांप हैं सब टोटल नॉन वेनमस हैं, उनमें जहर नहीं पाया जाता है। तो कब से शुरुआत किया था सन आपने बताया नहीं? सन लगभग उनके साथ जैसे मैं छोटा था वो बात अलग है, लेकिन जब से मैं पकड़ना शुरू किया हूँ ये 2003 की बात है। 2003 से आप सांप पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसको आप जंगल में छोड़ देते हैं? जंगल में छोड़ देते। जैसे बिस्खोपड़ा आप कितने पकड़े होंगे? बिस्खोपड़ा बहुत सारे पकड़े हैं, बिस्खोपड़ा में हम ये स्टिक वगैरह, ये जो स्टिक है इसको भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिस्खोपड़ा हाथ से पकड़ते हैं, और बिस्खोपड़ा अगर काटता है तो उससे डरते नहीं हैं, क्योंकि वो घाव बनता है वो ठीक हो जाता है, दवाई ले लेते हैं, उसमें जहर नहीं पाया जाता, ये चीज़ होती है उसमें, क्योंकि लोगों में जो भ्रम बैठा हुआ है कि बिस्खोपड़ा में जहर है, भ्रम अपना आप निकाल दीजिए, उसमें जहर नहीं पाया जाता, वो नॉन वेनमस जीव है। तो आपका कोई यूट्यूब चैनल है बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से? जी हाँ, हमारा आरके स्नेकर के नाम से चैनल है, और आर के स्पेलिंग बोल देता हूँ, RKSNACKER। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद, जय भारत।